अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम बिन यासिफ फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सात मंजिले का घर M7A में लेकर आए हैं, जो कि लेक सिटी में लोकेटेड है। सबसे पहले आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया। साथ में रॉक वॉल दी गई आपको फ्रंट में भी और ऊपर की तरफ भी। बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रॉक वॉल है। गेट के कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ग्रे और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। अंदर एंटर हो तो सबसे पहले आपको कार पोर्च मिलता है, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें इजीली एक सेडान कार और इस तरफ एक मिनी कार आ सकती है। आपको सामने बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल डिज़ाइन मिल जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल्स यूज़ की गई हैं। और इधर आपको एक ब्लैक वॉल मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत। डबल एंट्रेंस है, एज ए डबल यूनिट ये घर यूज़ हो सकता है। इधर से आप एंटर होकर ऊपर की तरफ जा सकते हैं और अंदर भी एंटर हो सकते हैं। इधर से आप डाइनिंग एरिया के एंट्रेंस से आए, आपको सबसे पहले डाइनिंग एरिया में लेके जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वुडन डोर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको फिर ड्राइंग रूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम में वॉलपेपर डिज़ाइन लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। डबल वॉलपेपर डिज़ाइन हैं और उसके नीचे आपको इलेक्ट्रिक हीटर मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत ऊपर फॉल सीलिंग की गई है, जिसमें वुडन टच दिया गया है। साथ ही आपको शैंडलियर मिल जाता है। ड्राइंग और टेबल लॉन्च को सेपरेट करने के लिए आपको वुडन मॉल मिल जाती है, जिसमें डिज़ाइन टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया है, स्लाइडिंग डोर दिया गया है। अंदर एंटर हो तो सबसे पहले आपको टीवी लॉन्च का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत टीवी लॉन्च का व्यू है, जिसमें डबल वॉलपेपर यूज़ किया गया है और सेपरेशन के लिए वुडन स्ट्रेट लाइंस यूज़ की गई हैं, जिसमें आपको मिरर दिया जाता है, रिफ्लेक्टर मिरर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख सकते हैं। आए आपको इसका एक व्यू दिखाते हैं फ्रंट से। फिर आपको ऊपर शैंडलियर मिल जाते हैं, बहुत ही यूनिक, और वुडन टच के साथ वॉल सीलिंग और एलईडी लाइट मिल जाती है। इधर मीडिया वॉल मिल जाती है आपको, बहुत ही खूबसूरत वुडन, जिसमें आपको रैक्स मिल जाते हैं, नीचे कंसोल मिल जाता है। ओपन स्काई एरिया दिया गया है, जिसमें आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, जो कि ऊपर तक ओपन है। बिल्कुल इसके साथ ही आपको किचन मिल जाता है। अगेन बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके किचन बनाया गया है। एक्सट्रीम के होल्डर स्टोव यूज़ किए गए हैं, एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस दी गई है, रैक्स और ड्रॉज बनाए गए हैं। ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन और डार्क ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। आपको विंडो मिल जाती है ओपन स्काई वाले एरिया के वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। फर्स्ट फ्लोर में आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम को विजिट कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेड वॉल माउंटेड है, डबल वॉलपेपर यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत कलर का गोल्डन और बेज कलर का वॉलपेपर यूज़ किया गया है। बेड वॉल को हाईलाइट करने के लिए एलईडी लाइट्स दी गई हैं, ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग की गई है और एलईडी लाइट लगाई गई है। आपको बेडरूम में भी मीडिया वॉल दी गई है वुडन, साथ ही आपको वार्डरोब मिल जाती है और विंडो मिल जाती है, जिससे आप बैक एली को एक्सेस कर सकते हैं। बैक एली में आपको वॉशिंग एरिया, गीजर और गीज़र एरिया मिल जाता है। बिल्कुल इसके इधर ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें डेल की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत वैनिटी दी गई है, एलईडी मिरर और पार्शियली टाइल वॉशरूम मिल जाता है। बिल्कुल इसके एडजेसेंट आपको एक और बेडरूम मिल जाता है, जिसकी अगेन बेड वॉल माउंटेड है, बहुत ही खूबसूरत वुडन डिज़ाइन दिया गया है दोनों तरफ, और बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्टिव मिरर दिया गया है कमरे को बहुत ही खूबसूरत लुक देने के लिए। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, बहुत यूनिक वुडन टच के साथ और एलईडी लाइट। अगेन आपको मीडिया वॉल भी दी गई है, इधर केबल कनेक्शंस भी हुए हैं, और आपको वार्डरोब मिल जाती है और ये बैक एली आप इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इधर आपको वॉशिंग एरिया और गीजर एरिया मिल जाता है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत, इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत वैनिटी मिल जाती है। ऊपर आपको स्टोरेज स्पेस और मिरर मिल जाता है, और पार्शियली टाइल वॉशरूम मिल जाता है, बट डेल की एसेसरीज जो कि वॉशरूम्स में यूज़ की गई है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलने से सबसे पहले आपको लॉबी टाइप एरिया मिलता है, आपको लॉबी टाइप एरिया दिखाते हैं, और बिल्कुल उसके साथ ही आपको पाउडर रूम मिल जाता है। देख सकते हैं ये लॉबी टाइप एरिया मिलता है आपको मेन एंट्रेंस से, जिसके ऊपर फॉल सीलिंग की गई है बहुत ही खूबसूरत, और साथ ही आपको पाउडर रूम मिल जाता है। ऊपर चलने से सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ मार्बल स्टेयरकेस
और एलुमिनियम रेलिंग है, उसके साथ ऊपर जाते हुए आपको बहुत ही खूबसूरत 3D वॉलपेपर मिल जाता है। और लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है जिसमें फॉल सीलिंग की गई अगेन, और राइट साइड से आप बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको अगेन वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है। टीवी लॉन्च की तरफ चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत टीवी लॉन्च मिल जाता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत आपको ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का वॉलपेपर मिल जाता है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर मिल जाता है। मीडिया वॉल बहुत ही खूबसूरत वुडन टच से बनाई गई है, आपको देख सकते हैं नीचे आपको एक कंसोल दिया गया है। 3 बेडरूम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आपको पहले किचन दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत किचन जिसमें एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस, ड्रॉर्स और रैक्स दिए गए हैं, वुडन स्टोव दिया गया आपको, और अगेन वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए ओपन टू स्काई एरिया की जगह पे विंडो दी गई है। फर्स्ट बेडरूम पे विजिट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेड वॉल पे बहुत खूबसूरत वॉलपेपर यूज़ किया गया है, वॉल हैंगिंग लैंप्स लगाए गए हैं, ऊपर फॉल सीलिंग की गई है और बिल्कुल इसके साथ ही आपको वार्डरोब मिल जाती है। और इधर आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत वैरायटी मिल जाती है, मिरर को हाईलाइट करने के लिए लैंप्स मिल जाते हैं एंड आपको टाइल की एक्सेसरीज मिल जाती हैं। वॉशरूम सारे घर के पार्शियली टाइल्ड हैं, क्वालिटी की बात की जाए तो ए प्लस क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया पूरे घर में, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन और ग्रेडियंट यूज़ किए गए हैं। सेकेंड बेडरूम की तरफ चलें, अगेन बेड वॉल माउंटेड है, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर यूज़ किया गया, वुडन टच भी दिया गया है, डबल कलर कॉम्बिनेशन वॉलपेपर लगाए गए हैं, सामने आपको वार्डरोब मिल जाती है और ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है बिल्कुल इसके साथ ही, आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है और इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है, इसमें आपको वैनिटी मिल जाती है, मिरर मिल जाता है लाइटिंग करने के लिए, इसके ऊपर लैंप्स मिल जाते हैं और डायल की एक्सेसरीज मिल जाती हैं, वॉशरूम एक्सेसरीज। इसके एडजस्टेंट आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर का, जिसमें अगेन बेड वॉल माउंटेड है, ड्यूल कलर कॉम्बिनेशंस के आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं, वुडन टच मिल जाता है, बेड वॉल पे ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है और इस तरफ आपको वार्डरोब मिल जाती है। विंडो की बात की जाए तो इसकी विंडो ओपन टू स्काई एरिया वाली जगह पे दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया जिसमें बहुत ही खूबसूरत वैनिटी, अगेन बहुत ही खूबसूरत लैंप्स लगाए गए हैं मिरर को हाईलाइट करने के लिए, और डेल की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। सेकेंड फ्लोर की तरफ चलें इस घर के, तो अगेन आपको मार्बल स्टेयरकेस मिल जाएगा, एल्युमिनियम रेलिंग मिल जाती है, इधर आपको थोड़ी सी ओपन स्पेस मिल जाती है जिसमें आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, और इसके साथ आपको एक और बेडरूम मिल जाता है जिसको आप एज ए 7 क्वार्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको वार्डरोब मिल जाती है, बेड वॉल मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत विद वॉलपेपर डिज़ाइन, और अटैच वॉशरूम मिल जाता है। टेरेस की तरफ आपको एक विंडो मिल जाती है, इधर एक इधर, एंड आप इधर से टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। टेरेस की बात की जाए तो अगेन इस घर का टेरेस मार्बल्ड है। इस घर की लोकेशन की बात करें तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे M7A में लोकेटेड है, जो कि 2 मिनट की ड्राइव पे मॉल और आपको ग्रैंड जामिया मॉस्क मिल जाती है, और 5 मिनट की वॉक्स पे आपको ग्रैंड जामिया मॉल और मॉस्क मिल जाती है। पार्क की बात की जाए तो बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे आपको पार्क मिल जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।